टीकाकरण अभियान में बड़ी उपलब्धि, एक दिन में 1 करोड़ से अधिक डोज का आंकड़ा पार, पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी बधाई। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम अधिकार क्षेत्र में आने वाले गांव मोहम्मदपुर का नाम होगा माधवपुरम, मिली अग्रिम मंजूरी। कानपुर मेयर प्रेमला पांडे ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ दी तहरीर, कहा महाराष्ट्र में हिंदी भाषी लोगों को खतरा। पाकिस्तान के कराची में केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से 16 की मौत, सभी मृतकों की उम्र 18 से 38 वर्ष के बीच। छत्तीसगढ़ में बारी बारी से मुख्यमंत्री पद के मुद्दे पर राजनीति संकट के बीच सीएम भूपेश बघेल ने दिल्ली में अपने समर्थक विधायकों के साथ राष्ट्रीय राजधानी में दिखाई अपनी ताकत। पीएम नरेंद्र मोदी ने इटली के पीएम से की फोन पर बात, अफगानिस्तान के हालात और असर पर की चर्चा। उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने 50 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के आवासीय भूखंडों पर संपत्ति कर के भुगतान में दी छूट। गोरखपुर में राष्ट्रपति की सुरक्षा में लगाए गए पुलिसकर्मी शुक्रवार को ड्यूटी पॉइंट पर मुस्तैद आए नजर, एडीजी सुरक्षा बीके सिंह ने सुबह पीपरी और सोनवर्षा में पहुंचकर सुरक्षा और तैयारी का लिया जायजा। कांग्रेस आलाकमान को सिद्धू की चेतावनी, कहा फैसले लेने की छूट नहीं मिली तो ईंट से ईंट खड़का दूंगा। यूपी के जिला सुल्तानपुर का नाम कुश भवनपुर करने की तैयारी, योगी कैबिनेट करेगी फैसला। देखते रहिए टीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।